আসানসোল শহরে আবারও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল শহরের অটো ও টোটো চালকেরা। রবিবার সকালে আসানসোল পৌর নিগমের সামনে অবস্থিত অটো স্ট্যান্ডে টোটো অটো চালকেরা যাত্রী তোলা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আর এ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নেতা রাজু আলুওয়ালিয়া। এদিন তিনি এসে অভিযোগ করেন প্রশাসনের কাছে তারা বারবার বলা সত্ত্বেও শহরের বুকে অবস্থিত বেআইনি টোটো বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না, পাশাপাশি টোটো বিক্রি বন্ধও করছে না এই বেআইনি শোরুমগুলি, যেখানে এই টোটো কোম্পানিগুলি এলাকার নাবালক ছেলেদের টোটো বিক্রি করে দিচ্ছে, কিন্তু কোন রুটে এই টোটোগুলি চলবে তা ঠিক করে দিচ্ছে না। পাশাপাশি তিনি বলেন আরটিওর কাছে ওই সব টোটো কোন রুটে চলবে তার নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ না থাকার কারণে বিভিন্ন স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী তুলছে টোটো চালকেরা, ফলে অটো চালকদের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে তারা। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন আগামী দিনে এই সমস্যার সমাধান না করা হলে তারা আরটিও দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসবে। এদিকে এই ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। জানা গেছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে এক অটো চালক, তাকে চিকিৎসার জন্য পরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আর এ বিষয়ে এক অটো চালক বলেন প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন অটো স্ট্যান্ডে যেন টোটো না দাঁড়ায়। हम लोग आरटीओ डीएम एसडीएम को कई बार डेपुटेशन दे चुके हैं कि आसनसोल शहर में 46 तो बेआईनी टोटो का शोरूम चल रहा है, बेकार लड़कों को वो लोग जो है प्रलोभन देकर लालच देकर टोटो बिक्री कर रहा है, लेकिन टोटो किस रूट में चलेगा उसका सिस्टम क्या है इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। एक एक रूट में आप देखिए जहाँ पर 10 यहाँ ऑटो चलता था वहाँ 50 टोटो आ गया है, किसी के पास में 10-10 साल का लड़का, 10 साल का लड़का जिसकी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, 6-6, 7-7, 8-8 पसेंजर लेके जा रहा है, यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए कौन दाई है? आरटीओ को दाई है, इसके लिए हमारा प्रशासन दाई है, इसके लिए जो है टोटो शोरूम दाई है। हम लोग बार बार बोले हैं जो टोटो बेआईनी रूप से बेच रहा है उसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, उसके पास सरकार की कोई अनुमति भी नहीं है कि वो टोटो बेचेगा। टोटो बेचने का सिस्टम होगा कि वो किस रूट में चलाएगा, जो टोटो जिसको बेचा जा रहा है उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि एक एक टोटो में 6-7 आदमी करके जा रहा है, तो ये तो देखना होगा कि जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन को बार बार बोले, आरटीओ को बार बार बोले हैं, प्रत्येक दिन जो है टोटो का शोरूम खुल रहा है और धड़ल्ले से बेकार युवकों को गुमराह करके कि तुम लोग टोटो खरीदो, बेआईनी रूप से टोटो बेचा जा रहा है। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है ऑटो के साथ, टोटो का, बस के साथ टोटो का, आपका जाकर मिनी बस से टोटो का लगातार झमेला हो रहा है। आज भी एक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। हम लोग बार बार बोले हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो शोरूम का मालिक है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए, ये चिंता का विषय है, उसको गिरफ्तार करना होगा। तो किसकी अनुमति से बेआईनी तरीके से बेकार युवकों को ठग रहा है और लोगों को जो है माने अशांति के मुंह में डाल रहा है, ऐसे शोरूम मालिकों पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग कल फिर आरटीओ ऑफिस में जाएंगे, हम लोग जो धरना पर बैठ जाएंगे, हम लोग आरटीओ को चैम्बर में जब तक नहीं उठेंगे, जब तक बेआईनी टोटो का शोरूम बंद नहीं होगा तब तक हम लोग जो है आंदोलन लगातार चालू रहा। कहीं ना कहीं अमर चले जी जो नगर निगम में प्रशासक हैं उनके द्वारा ये तो परिवहन बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं गलत बात, किसी के पास इसके पहले जो मेयर था जितेंद्र तिवारी के अमल में गलत तरीका से टोटो को कुछ कुछ लोगों को शोरूम को ट्रेड लाइसेंस दिया गया था, लेकिन हमारा जब से अमरनाथ चटर्जी यहाँ पर के मेयर हैं, जब चेयरपर्सन हुए हैं, तब से एक भी बेआईनी टोटो का शोरूम को कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला, बिना ट्रेड लाइसेंस के वो लोग अपना शोरूम चला रहा है। हम लोग इसके पहले भी अमरनाथ को बोले थे, अमरनाथ ने कहा था इस पर कार्रवाई होगी, हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम लोग कल फिर अमरनाथ से मिलेंगे। हम लोग पहला काम है परिवहन दफ्तर, इसके लिए मुख्य जो है इसके लिए दोषी है परिवहन दफ्तर, परिवहन दफ्तर पर इस पर नकेल कसनी चाहिए थी। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है, प्रत्येक दिन यहाँ झमेला हो रहा है और हम लोग जो है कल आरटीओ से मिलेंगे, और हम लोग सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम लोग तब तक धरना पर बैठ जाएंगे आरटीओ ऑफिस में जब तक बेआईनी टोटो सुन के को जो बंद नहीं किया जाएगा, बंद करने से नहीं होगा। आने के लिए बोलते हैं, नहीं हटाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या सर, प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं लगे, मतलब टोटो ना लगे। हाँ, टोटो ना लगे। आपका नाम? जी, आपका नाम? नाम मोहम्मद नौसाद।